नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखेंगे डोंट केयर कंडीशन। देखिए, डोंट केयर का मतलब क्या हो गया कि उसका कोई मतलब रहे या ना रहे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम बोल रहे हैं डोंट केयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से समझूँ कि मान लीजिए कोई ट्रैफिक सिग्नल, आदमी जो रहता है जो कि सिग्नल देता है, या आप ऐसा समझिए कि कोई एयरक्राफ्ट है, वहाँ पे हम डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली हम कुछ सिग्नल दिए विद हेल्प ऑफ अ हैंड, ठीक। अब आप कैसे बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, उससे क्या मतलब है ना, या किस प्रकार से आप सिग्नल दे रहे हैं, जो डिजिटल सिग्नल था वो आप किस प्रकार से अप्लाई करो, उससे क्या मतलब है। हमें मतलब क्या है सिर्फ और सिर्फ सिग्नल देने से, कि हाँ और किस प्रकार से हम डिजिटल सिग्नल को प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में। समझ में आ रही बात? तो यही चीज आप कह सकते हैं कि डोंट केयर कंडीशन में आता है, मतलब कि आप बैठे हुए हैं या खड़े होकर के आप डिजिटल सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो आप बैठे हैं वो हमारा डोंट केयर कंडीशन में आता है, या आप खड़े होकर के सिग्नल को अप्लाई कीजिए, उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, ठीक ना। तो वो हमारा हो गया क्या, डोंट कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन। तो सिमिलरली आप समझिए कि यहाँ पे भी जब आप चाहे एसओपी की बात करें या पीओएस की बात करें, उसमें अगर आप के मैप को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे भी डोंट केयर का कंडीशन अप्लाई होता है। अब बोलिएगा सर क्यों यूज करते हैं, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो हम यूज क्यों करते हैं। देखिए, कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे कि पेयर बन रहा होता है लेकिन किसी कारण से हम बना नहीं पाते हैं पेयर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पेयर क्यों नहीं बना पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा है, आपको मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से कोई सेल हम बनाए, कोई किसी भी चीज के लिए कुछ यहाँ पे हम ऐसे करके बना दिए। समझिए, ये कोई थ्री वेरिएबल का था हमारा, कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया, ठीक। अब हमारा यहाँ पे है कुछ आउटपुट के टर्म में, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा है तीन। देखिए, यहाँ पेयर बन रहा है, यहाँ दो का बनेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू रहता तो डेफिनेटली हम क्या करते, एक क्वाड बना देते। समझ में आ रही बात? अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू रहता, अगर एक ही रहता मान लीजिए, तो हम एक क्वाड बना देते कि नहीं बना देते, तो हमारे लिए और क्या हो जाता, आसान हो जाता, मतलब और भी मैक्सिमम कॉमन हमको मिल जाता, मतलब और ज्यादा रिड्यूस हो जाता हमारा इक्वेशन, ठीक। लेकिन है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके पेयर करेंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से पेयर करेंगे, ऐसा पेयर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर डोंट केयर कंडीशन का हम यूज करते हैं, तो मान लें कि हम यहाँ पे अगर डोंट केयर लगा दिए तो हम एक क्रॉस लगा दिए, ठीक ना। अब ये रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, है ना। अब इसको अगर पेयर करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए तो हमारा एक क्वाड बनेगा कुछ इस प्रकार से, हम क्या करेंगे एक क्वाड बना लेंगे। जब एक क्वाड बनाएगा तो ये हमारा और भी रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले के कंपैरिजन में जब आप बात करिएगा कि पहले हम क्या कर रहे थे, दो दो का पेयर बना रहे थे, अब हम एक क्वाड बना दिए एक ही, तो हमारा ग्रुप क्या बना, बड़ा सा ग्रुप बन गया और अधिक रिड्यूस्ड हो गया। तो और अधिक रिड्यूस्ड करने के लिए ही हम क्या कह सकते हैं कि डोंट केयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जो डोंट केयर होता है उसको या तो आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं, माने कि क्रॉस इसको बोलते हैं, क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इसमें वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट इन सिंप्लीफाइंग द आउटपुट एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डोंट केयर। तो डोंट केयर जो होता है एक सबसे बढ़िया सिग्निफिकेंट और यूजफुल कॉन्सेप्ट है। किस चीज में, तो कोई भी आउटपुट एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करने में विद द हेल्प ऑफ अ के मैप, ठीक ना। द डोंट केयर कंडीशन अलाउ अस टू रिप्लेस द एम्प्टी सेल। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये आपका सेल क्या था, पूरा खाली था, ये सेल पूरा खाली था, तो इसमें हम क्या किए, क्रॉस को, मतलब ये एम्प्टी सेल को रिप्लेस कर दिए, किससे, तो क्रॉस से, ठीक ना। तो वही चीज कह रहा है कि डोंट केयर कंडीशन अलाउ अस टू रिप्लेस द एम्प्टी सेल ऑफ द के मैप टू फॉर्म ए ग्रुपिंग ऑफ अ वेरिएबल विच इज लार्जर देन दैट ऑफ अ फॉर्मिंग ग्रुप्स विदाउट डोंट केयर, ठीक। यहाँ पे जैसे कि डोंट केयर हमारा नहीं था, ये वाला डोंट केयर नहीं था, तब देखिए आप ग्रुप आपका क्या बन रहा था, छोटा छोटा पेयर बन रहा था, कुछ इस प्रकार से बना था, है ना। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे डोंट केयर लगा दिए तो एक बड़ा सा ग्रुप बन गया हमारा, समझे। तो अधिक से अधिक मतलब बड़ा से बड़ा ग्रुप हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ के मैप। अब देखिए, वी कैन कंसीडर ए डोंट केयर सेल एज वन और जीरो, और वी कैन इग्नोर दैट सेल। या तो हम उसको वन भी मान सकते हैं
जिस हिसाब से रहेगा, मतलब अगर मान लीजिए एसओपी है तो हम मार्क वन मान लेंगे, या पीओएस है तो हम उसको जीरो मान लेंगे, ठीक, या फिर हम क्या कहते हैं उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए ये एसओपी की बात करा जाएगा, तो यहाँ एक क्रॉस तो हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस को क्या मान रहे हैं, वन मानेंगे, है ना। एसओपी के टर्म में हम वन को कॉमन करते हैं, तो ये क्रॉस का मतलब क्या हो गया, वन। और जब पीओएस की बात करिएगा तो पीओएस में हम जीरो मान लेंगे। देखिए समझ में आ रहा है, तो ये जब क्रॉस आपका यहाँ लिखा हुआ है तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि इन टर्म ऑफ एसओपी ये हमारा क्रॉस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा वन है, तभी तो हम एक पेयर बना पाएंगे, एक क्वाड बना पाएंगे। अगर यहाँ जीरो रहेगा तो क्वाड हमारा बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बनाने का, ठीक। तो हम यहाँ इसलिए क्रॉस से इसको इंडिकेट किए ताकि यहाँ पे हम मान लिए ऐसा कि ये हमारा क्या होगा, वन होगा, ठीक। अब ये मान भी सकते हैं वन, और जब वही पीओएस के टर्म में आइएगा तो उसको हम जीरो मानते हैं, मानिए या नहीं मानिए, या फिर आप उसको इग्नोर ही कर दीजिए, उससे कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला कि व्हाइल फॉर्मिंग ए ग्रुप ऑफ अ सेल वी कैन कंसिडर ए डोंट केयर सेल एज वन और जीरो, और वी कैन इग्नोर दैट सेल, फुल स्टॉप। देयर फॉर द डोंट केयर कंडीशन कैन हेल्प अस टू फॉर्म ए लार्जर ग्रुप ऑफ अ सेल, इसलिए कहा जाता है या कह सकते हैं कि डोंट केयर कंडीशन जो होता है हमें मदद करता है, किस चीज में मदद करता है, एक बहुत बड़ा, एक बड़ा ग्रुप बनाने में, क्वाड बनाने में, या 16 बिट का बनाने में हमारा मदद करता है, ठीक है ना, या 8 का कह लीजिए, ऑक्टेट बनाने में हेल्प करेगा। आगे क्वेश्चन की मदद से और भी हम समझेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, या तो इसको हम क्रॉस एक्स साइन से डिनोट करते हैं, या फिर किससे डिनोट करते हैं, डी साइन से डिनोट करते हैं। समझ में आया, चलिए इसको हम देखते हैं एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 6 मार्क्स में, है ना, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन गिवन बिलो यूजिंग के मैप, के मैप के मदद से आपका ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। द डोंट केयर कंडीशन आर इंडिकेटेड बाई डी ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में आपका डोंट केयर कंडीशन दिया हुआ है, ठीक। अब सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये मेन टर्म में है या मैक्स टर्म में है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लिखा हुआ है सिग्मा एम, इसका ये मतलब हो जाता है कि यह हमारा किस में है, मीन टर्म में दिया हुआ, और ये जो डी आपका दिया हुआ ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा डोंट केयर कंडीशन है। बस अब सबसे पहले आप ये देखिए वेरिएबल का संख्या कितना होगा, टिल 15 हम कंसिडर कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे पास वेरिएबल कितना होगा, 4 वेरिएबल होगा, है ना, कितना वेरिएबल होगा, 4 वेरिएबल। जस्ट आपको क्या करना है, एक 4 वेरिएबल का कुछ इस प्रकार से बना देना है, ठीक है, 4 वेरिएबल का बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल में आपको कॉमन फॉर्म निकाल देना है, जस्ट लाइक दिस, है ना। आप भी बना लीजिए साथ में, एक बार ट्राई करिए बनाने का, देखिए बन पा रहा है कि नहीं बना, बन पा रहा है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कॉमन के लिए आप सेम यूज करोगे, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करा, ए भी ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, सी और डी ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब आपको क्या करना है, बस जो जो डिजिट्स दिया हुआ है वो डिजिट्स आपको क्या करना है, भर देना है आपको, ठीक। देखिए 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया, 1 3 7, ठीक है। उसके बाद 11 और 15, 15 और 11 ये दिया हुआ है। जब डोंट केयर की बात करिएगा तो ये दिया हुआ है 0 2 5, 5 में आप क्रॉस लगाइए, 2 कहाँ है आपका, यहाँ पे आप एक क्रॉस लगाइए, 0 2 और 5 यहाँ पे आप एक क्रॉस लगाइए, ठीक। अब यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे क्रॉस को बोल रहे हैं ये हमारा वन होगा। अब जानते हैं एसओपी में हम वन को कॉमन करते हैं, ठीक ना, सिर्फ वन को कॉमन करते हैं, बाकी बाद में ये सब जो है आपका सब जीरो होगा, जो जो ब्लैंक है सब में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक पेयर बनाना है। पहले अगर बिना क्रॉस का आप अगर पेयर बनाते तो देखिए ये वाला एक पेयर बनता हमारा, ठीक, एक, और एक ये पेयर बनता, है ना। लेकिन अब अगर हम डोंट केयर कंडीशन को मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे देखिए पेयर हमारा कैसा बनेगा, एक तो हमारा ये क्वाड बनेगा,
ये एक हमारा बड़ा सा क्वाड हो गया कुछ ये, ठीक समझ में आ रही बात। अच्छा दूसरे क्वाड की बात करें हम, देखिए एक और क्वाड हमारा बन रहा है यहाँ पे, देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से एक और क्वाड बन गया, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये दूसरा क्वाड हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और क्रॉस बच गया, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे भी वन तो है नहीं, कहीं पे बचा नहीं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इससे हमको अब कोई मतलब नहीं है, ठीक। हम कंसीडर करें ना करें, इग्नोर करें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, इसका यूज कर लिए क्वाड बनाने में, बड़ा से बड़ा ग्रुपिंग बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर लिए, समझ में आई बात, क्लियर। तो इसको हम क्या किए, छोड़ देते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए कॉमन आपका क्या मिल जाएगा, ये चारों में कॉमन मिल जाएगा एक और बी बार, राइट। अब जब इसकी बात करेंगे इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, सी और डी। फाइनल आंसर की बात किया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और डी, यही हमारा क्या होगा आंसर, समझ में आया, क्लियर है यहां तक, राइट। एक और मैं क्वेश्चन करके देख लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा आपसे, और अगर बना लेते हैं तो 6 मार्क्स में 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा, नहीं बना पाइएगा तब तो समझिए कि पूरा का पूरा गलत ही हो गया। तो आसान है, अंतर है सिर्फ क्रॉस, जो डी मार्क रहेगा आपका, डोंट केयर कंडीशन है, उसको आप क्रॉस मार्क से लीजिए, बाकी उसको मिला के भी पेयर बना लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पे कोई एक बचता, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका एक बचता ये, तो हम इसको एक ऐसे करके पेयर बना देते, लेकिन एक है ही नहीं ना यहाँ पे, अगर नहीं है हमारा यहाँ पे तो हम छोड़ देते हैं उसको, कोई जरूरत नहीं है हमको कंसिडर करने का, इसको हम छोड़ दिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप करके देखिए, देखते हैं इसको कर पाते कि नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले ये भी आपका मीन टर्म में दिया हुआ है और कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये आपका क्या है, डोंट केयर, डोंट केयर, ठीक है ना। अब इसको आप बनाइए 14, 15 तक है, डेफिनेटली आपका वेरिएबल का संख्या कितना हो जाएगा, टोटल वेरिएबल आपका कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप बना दीजिए कितना सेल बनेगा, टोटल 16 सेल बनेगा, बना दीजिए, ये कुछ इस प्रकार से आपके हो गए टोटल सेल 16, टोटल 16 सेल। नेमिंग कर दीजिए यहाँ पे भी, ए बी सी और डी, यहाँ पे भी कीजिए सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी सी डी, कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 1 more 15, हो गया। बस जैसा जैसा आपका वैल्यू दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए, 0 दिया हुआ है ठीक है, 1 दिया हुआ है ठीक है, 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 9 कहाँ है आपका, 9 और 13, राइट। एंड 14 एंड 15 दिया हुआ है आपका, 15 एंड 14, 14, ठीक है, ये हो गया। जब आप डोंट केयर की बात करिएगा, देखिए तो डोंट केयर में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, 3, 4, 7, 4, 3 और 7, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपका, 3, 4 और 7 दिया हुआ है, और 10 और 11 दिया हुआ है, 11 और 10, देखिए हो गया आपका। हाँ अब इसमें आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है, राइट। अब पेयरिंग के लिए अगर आप देखिए, सबसे बड़ा आप क्या बना सकते हो यहाँ पे, क्या आपका ऑक्टेट कहीं पे बन रहा है, ध्यान से अगर देखिए तो ये आपका 4 बनेगा आपका, राइट, ये आपका ऐसे करिएगा, ये आपका 1 बन गया आपका, ये बना, ठीक है ना। इसमें अगर कॉमन की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन डी। अब क्या बनेगा भैया, अब देखिए आपके पास एक और आप बना सकते हैं, ये क्वाड बना सकते हैं, ये बन गया एक क्वाड, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका क्या हो गया, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और 1 मोर सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ से आपका एक तीसरा, देखिए ध्यान से देखिए, ये बन गया, हो गया, इसमें कॉमन की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए और सी। सो फाइनल आंसर आपका क्या मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस
ए सी प्लस डी। सो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसी को अगर आप और लिखना चाहें तो, और हालांकि ये आंसर सही है, यहाँ पे एक और गेट है ना, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं डी प्लस ए एक्स नॉट सी, हो गया आपका, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आंसर आप यहीं तक छोड़िए, गलत आपका नहीं होगा, यहां तक ही रखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको और थोड़ा सा आपको गेट का संख्या रिड्यूस करने बोले तो आप इसके मदद से कर सकते हैं, यहाँ पे गेट हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका आपको लॉजिक सर्किट बनाना हो तो बना दीजिएगा आराम से, समझ में आया, डोंट केयर। ये एक क्वेश्चन जो है ना आप होमवर्क में लिख लीजिए, उसको आप करके कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा खुद से, ठीक है ना, कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू सिग्मा m 1, 4, 8, 12, 13 एंड 15, ठीक है, प्लस d 3 एंड 14। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है आपका, आप इसको बनाइएगा सिग्मा m, ये है आपका 4, 5, 6, 8, 9, 11 प्लस डी 0, 3, 7 एंड 15। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसको आप क्या कीजिएगा, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग यूजिंग के मैप टेक्निक, ठीक है ना। इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आप टेक्स्ट करके आराम से बता दीजिएगा हमको, ठीक है, भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, अगर सही रहा तो सही है, अगर कहीं लगेगा कि गलत है तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे गलत है, आप उसको सुधार कर लीजिएगा, राइट। आगे अब हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है के मैप का। डिसएडवांटेज देखिए, सबसे पहली बात कि यह एक मैनुअल टेक्निक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब हम लोग कहने का मतलब जो ह्यूमन होता है ना, वो इसका मत हेल्प लेता है सॉल्व करने के लिए। वी कैन नॉट यूज कंप्यूटर्स फॉर के मैप सोल्यूशन, के मैप सोल्यूशन के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा होता है कि मिनिमाइजेशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एज द नंबर ऑफ अ वेरिएबल एक्सीड 6। देखिए इसका मिनिमाइजेशन 6 वेरिएबल से, जैसे मैं 6 छोड़िए, 4 से जैसे ही आप बढ़ने लगेगा 5 वेरिएबल में, तभी से आपका ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यह जो धीरे धीरे क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक, ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो होता है ना बढ़ जाता है, तो एरर होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होने लगता है, ठीक ना, तो इसलिए बोला जाता है कि मिनिमाइजेशन जो होता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज द नंबर ऑफ वेरिएबल एक्सीड 6। उसके बाद कह रहा है कि द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस डिपेंड्स हैवीली ऑन ह्यूमन यूजर्स एबिलिटी। डेफिनेटली द सिंप्लीफिकेशन जो होता है क्या होता है, पूरे का पूरा टोटली डिपेंड करता है कि ह्यूमन का जो है क्या एबिलिटी, वह समझ पा रहा है कि नहीं, कैसे सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, टोटली डिपेंड कर रहा है एबिलिटी पे। जैसे कि एग्जांपल आप इसका बेस्ट समझ सकते हैं, मैं जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ, जो भी आप लेक्चर देख पा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा 100% आप समझ रहे हैं, ठीक, आप नहीं समझ रहे, लेकिन कोई और लेक्चर, जैसे आप मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट देख रहा होगा आपका, ये लेक्चर देख रहा होगा, इसमें से जरूरी नहीं है कि 100 का 100 स्टूडेंट्स समझ जाए, पूरा 100% समझ जाए, हो सकता है इसमें से 50% कुछ 50% समझा होगा इस लेक्चर का, कुछ एक 40 जो होगा वो और 60% समझा होगा, कुछ एक जो हमारा 5% लड़का होगा वो हो सकता है 90% समझा होगा, बचा हुआ 5% हो सकता है कुछ भी नहीं समझा होगा, समझ रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स का एबिलिटी सेम तो नहीं था, जैसा जैसा जिसका एबिलिटी है उस हिसाब से उसने क्या करा, इस चीज को समझा, और उसी हिसाब से ये क्या करेगा, उसको सॉल्व भी कर पाएगा। तो यह सिंप्लीफिकेशन जो है टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, ह्यूमन यूजर्स एबिलिटी पे, कि ह्यूमन किस प्रकार से, मतलब क्या एबल है कि नहीं है, क्या अगर एबल है तो कितना एबल है, जितना ज्यादा एबल रहेगा वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने में मतलब एक्सपर्ट होगा, कह लीजिए अधिक से अधिक पॉसिबिलिटी रहेगा कि वह ह्यूमन जो है वह इंसान है उसको सॉल्व कर पाएगा, समझ में आए। तो ये कुछ आपका
था डिसएडवांटेज के मैप का। तो यहीं पे आपका के मैप जो है एसओपी के लिए समाप्त होता है। अब हमारा बचता है क्या, पीओएस। ध्यान दीजिएगा, आते हैं हम लोग पीओएस। तो पीओएस में भी आपका होता है के मैप, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब बात कीजिएगा सर क्या चेंजेस होता है। देखिए चेंजेस के नाम पे आपका क्या होता है, मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो आपने एसओपी में पढ़ा, एसओपी में आप पेयरिंग जो कर रहे थे, जहां जहां वन आ रहा था उसको पेयर कर रहे थे, ठीक। लेकिन पीओएस में जहां जहां जीरो आएगा उसको हम पेयर करेंगे। मतलब सीधा सीधा बोला जाए कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक ना, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस हिसाब से आप एक मैक्स टर्म निकाल लीजिए। ऑलरेडी मैंने मैक्स टर्म निकालने के लिए आपको बताया है, मैक्स टर्म निकाल लीजिए। और मैक्स टर्म निकालने के बाद आप उस डिजिट के वैल्यू को के मैप में रखिए। अब के मैप में रखिएगा तो आप वन लिखिएगा कि जीरो लिखिएगा, तो आपको जीरो लिखना है, बाकी रेस्ट सेल में क्या होगा, वन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि जैसे यहाँ पे हमारा ये कुछ दो सेल का वेरिएबल है, सेम चीज है, यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया बी, ये बी बार, ए बी बार और ये बी, कुछ ऐसा चल रहा है। हम यहाँ बी बार नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, अब इसको इंडिकेट करेंगे, बताते हैं ऐसा क्यों हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जीरो और ये वन, ये फिर भी लिख रहा हूँ जीरो और वन, ठीक, ऐसा हुआ। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे मैक्स टर्म में कुछ ऐसा वैल्यू आया, ये दो आ गया, ठीक है ना। तो हमारे जीरो वन यहाँ पे टू, तो ये इसमें हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे और बाकी इसमें क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक। या मान लीजिए पाए एम दो और तीन है आपका, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दो और तीन वाला जो रहेगा उसमें हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे और बाकी में वन लिखेंगे। अब बात आएगी सर पेयरिंग किसको करेंगे, वन को करेंगे कि जीरो करेंगे, नहीं, हम पेयरिंग किसको करेंगे, जीरो को करेंगे और वन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब डोंट केयर का कंडीशन आएगा तब भी हम कंसिडर करेंगे कि जहां पे भी क्रॉस है वो हमारा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। समझ में आया? सो क्लियरली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू होगा, ठीक ना, तो हम उस आउटपुट के वैल्यू को हम मानेंगे क्या, जीरो, और फिर हम जीरो को पेयर भी करेंगे। समझ में आई बात इतना? चलिए तो हम देखते हैं, पहले तो एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसका नेमिंग भी अलग होगा, ध्यान रखिएगा नेमिंग आपका सेम नहीं होगा। सो हम पहले बात करते हैं के मैप फॉर पीओएस के लिए, कितने के लिए, तो दो वेरिएबल्स की बात हम करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। रुकिए मैं आपको लिखा दूं, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। पीओएस का टर्म कंडीशन है पीओएस, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट कंडीशन। द पीओएस फॉर्म एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मैक्स टर्म, मैक्स टर्म, ठीक है। नेक्स्ट में आप लिख लीजिए इन दी के मैप करिस्पॉन्डिंग टू पीओएस फॉर एक्सप्रेशन, वी हैव टू इंटर जीरो, है ना, जीरो करस्पॉन्डिंग टू ईच मैक्स टर्म, ठीक, ये हो गया। आप इसको लिख लीजिएगा और आगे मैं आपको पेयरिंग के लिए सिखाता हूँ कि पेयरिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर टू वेरिएबल्स का, ठीक है। जब दो वेरिएबल की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा, 2 पे पावर 2 बराबर 4, सेम, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सेल बना दीजिए 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं, नेमिंग के नाम पे हम जीरो लिखे वन लिखे। याद कीजिए जब हम मैक्स टर्म की बात करते थे तो मैक्स टर्म में जो हमारा नॉन कम्प्लीमेंटेड रहता था उसको मैं जीरो बोलता था, और जो कम्प्लीमेंटेड रहता था उसको मैं क्या बोलता था, वन बोलता था, है ना। जो नॉन कम्प्लीमेंटेड है उसको जीरो बोलते थे, जो कम्प्लीमेंटेड है उसको वन बोलते थे, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम जीरो लिए बिकॉज
जब आप मीन टर्म की बात कर रहे थे तो उसमें हमारा ए बराबर 1 था और ए बराबर 0 था, तो उस टर्म में जब आप बात करते थे वहां पे ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसा लिखते थे, यहाँ लिखते थे बी बार और बी, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 है और वह 1 है। सेम चीज हम यहाँ पे भी लिखे, यहाँ 0 है 1 है, ये 1 है ये 0 है, तो आप ध्यान रखिएगा ये 0 1 से, ताकि आपको आगे आसान रहेगा नेमिंग करने में। बोलिएगा कैसे, अभी मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप 0 1 लिखे तो आप तो उस हिसाब से मैक्स टर्म को आप बदल लीजिएगा ना, 0 है मैक्स टर्म में तो इसका मतलब ए, और 1 है तो इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट। हम यहाँ पे 0 लिखे और 1 लिखे, यहाँ पे हम क्या लिखे, 1 लिखे और यहाँ पे 0 लिखे, ठीक है ना। चलिए ये भी देखिए आप उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पे आप सुधार लीजिए पहले, ये हमारा 0 होगा और ये 1 होगा, राइट। अब हम देखिए बात करें, जब 0 है इसका मतलब 0 लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जो होगा हमारा नॉन कॉम्प्लीमेंटेड, तो हम लिख दिए ए। अब हमारा यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटेड, हम लिख दिए ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ 0 लिखे तो ये बी, और ये 1 लिखे तो बी कॉम्प्लीमेंटेड। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चीज हमारा ये फिक्स है, मैं पहले ही बता रखा हूँ, ठीक है। अब हम इसमें लिखे, क्योंकि हमें किसके फॉर्मेट में लिखना है, पीओएस। जब एसओपी में लिख रहे थे तो आप ए बी सी ऐसे लिख रहे थे, पीओएस में ए प्लस बी प्लस सी ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है, ठीक ना। सेम चीज में जब यहाँ पे इसमें आप देखिएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी, सो हम क्या लिख दिए, ए प्लस बी। जब इसकी बात करेंगे तो ये आ गया ए और ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और जब इसकी बात करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ गए। ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। जब आप इसमें नंबरिंग करोगे, देखो नंबरिंग जब आप करोगे, मैंने कुछ ऐसा बताया होगा आपको, अगर याद हो तो, अगर याद है आपको तो देखिए, इसको आप ए प्लस बी लिखे हैं, इट मीन्स ये हमारा क्या 0 0 है, तो 0 0 क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 ही रहेगा, ठीक ना। अब इसकी बात करें, ये हमारा 0 और ये हमारा क्या 1, दिस विल बी 1, एंड इसकी बात करें, ये हमारा 1 और ये हमारा 0, इट मीन्स ये 2 और ये हमारा 3। सो हम ऐसा बताए थे M0, M1, M2, M3, ऐसा नेमिंग कर सकते हैं कि नहीं, हाँ। और मैक्स टर्म जब आप निकालेंगे देखिए तो आपके पास ऐसा ही रहेगा ना, 0 1 2 3 कुछ ऐसा ही रहेगा, आप आराम से सेम वैल्यू आपका कोई चेंज नहीं करेगा, जो आपका डिजिटल वैल्यू आपने लिखा था वही डिजिटल वैल्यू रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप सेम चीज लिख सकते हैं 0 1 2 3, है ना, आगे भी सेम होगा, ठीक। और आराम से अगर ये पता चला तो जो जो रहेगा उसके जगह पर हम 0 रखेंगे और पेयर बना देंगे, समझ में आई बात। इसको भी आप इस तरह से ही लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया 0 0, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 0 1, ये हमारा क्या हो गया 1 1, और ये हमारा 0, ये हमारा 1 और 1। इसका वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो गया 0, इसका वैल्यू का बात करें, देखिए इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, समझ गए बात को यहाँ तक, बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ थ्री वेरिएबल्स। जब हम बात करेंगे थ्री वेरिएबल्स का, तब 2 पे पावर 3 बराबर 8, मतलब टोटल सेल का संख्या कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 8। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी सेम हम बात करें, बोलिएगा सर क्या मतलब, हम मान के चल रहे 0 0 0 1 1 1 1 0, बिकॉज हम लोग इनिशियली क्या ले रहे थे, यही इसका मतलब, जब एसओपी में ले रहे थे तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा था, यही नीचे ये वाला वैल्यू हम क्या किए, यहाँ पे पहले लिख दिया हमको समझने में ताकि आसान हो। अब हम क्या किए, अपने जो मैक्स टर्म वाली बात थी उसमें हम रख देते हैं, मैक्स टर्म इन द सेंस कि हम जो अनकम्प्लीमेंटेड है, नॉन कम्प्लीमेंटेड था, उसका वैल्यू हम क्या मान रहे थे 0, और जो कम्प्लीमेंटेड था उसका वैल्यू क्या मान रहे थे 1। सो फाइनली अगर यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो इसमें हमारा क्या होगा 0 0 0 होगा, इट मींस कि 0 हमारा इंडिकेट क्या कर रहा है, अनकम्प्लीमेंटेड या नॉन कम्प्लीमेंटेड, जिसपे की कम्प्लीमेंट नहीं है। तो हम क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। फिर यहाँ पे बात करें तो ए प्लस बी, अब आप आराम से इसको नेमिंग कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट। फिर यहाँ आइएगा ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, फिर आइए ए प्लस बी कम्प्लीमेंट सी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट। देखिए साथ साथ जो बोल रहे हैं ना बोलते जाइए, याद हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और कंफ्यूजन अगर होगा भी ना तो आराम से आप पकड़ पाइएगा, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, हो गया। ए और बी और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ, चूंकि अनकम्प्लीमेंटेड है 0, सो 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 0 का मतलब क्या हो गया 0।
अब आते हैं यहाँ पे 001 हो गया, राइट, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंटेड है उसका वैल्यू 1, 001 हो गया, ये 1 हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से आप भरिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब आप एसओपी देख रहे थे तो उसमें भी आपका ये डिजिट्स क्या था, वही था, है ना, कोई परिवर्तन है नहीं, सेम चीज यहाँ पे होगा। अंतर सिर्फ यही है कि आपको बी प्लस सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना क्या है, पी ओ एस के फॉर्म में लिखना है। समझ में आई बात, नेमिंग पता चला, 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का पता चला। लास्ट हम लोग बात करते हैं 4 वेरिएबल का। देखिए 4 वेरिएबल में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं होगा, यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, ये 0 0 0 1 1 1 1 एंड 0, हेयर ऑल्सो 0 0 0 1 1 1 एंड 1 एंड 0। नाउ अगेन वी हैव टू राइट द सेम थिंग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, इसमें बात करिएगा तो ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, इसकी बात करिएगा तो ए प्लस बी और प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आप यहाँ पे पूरा क्या करिएगा, उसको लिखिएगा एज इट इज, ठीक। उसके बाद आप 0 0 वैल्यू रख के देखिएगा, आपका कुछ इस प्रकार से डिजिट बन के आ जाएगा, है ना, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबरिंग की बात करिएगा, सेम नंबर है, और बाकी आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो नंबर आपको भरना है और आंसर आपका मिला देना है। फॉर एग्जाम्पल आइए हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा इसको और समझिएगा, ना समझ में आए डेफिनेटली कॉल कर लीजिएगा या फिर आप मैसेज करके, मतलब जैसे भी हो आप समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए तो आप कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आते हैं, देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये हमारा किस टर्म में दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है के मैप के, और कह रहा है कि के मैप टेक्निक से इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप टेक्निक, ये हमारा दिया हुआ है, राइट। इसको हम सबसे पहले अगर बोले तो ये समझ लीजिए कि कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। आराम से आप पहले क्या करिए, 3 वेरिएबल का आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। 3 वेरिएबल में हमारा कितना हो जाएगा, एक दो और तीन, सो टोटल वी हैड 3 वेरिएबल्स। सो नंबर ऑफ कॉलम की बात किया जाए तो कितना, ये ले लिए ए, ये ले लिए बी और सी, यहाँ पे हम फिर लिख दे रहे 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड यहाँ 0 एंड 1। नेमिंग की बात करें तो ये हो गया क्या, बी प्लस सी, ये हो गया क्या, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया ए, ये हो गया ए और ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, समझे। देख लीजिए यहाँ पे आ जाइए, एक बार यहाँ पे आइए, बी प्लस सी, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड यह ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। यहाँ पे आ जाइए, बी प्लस सी, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एंड बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे आ जाइए, आपका यहाँ पे आएगा कुछ, ठीक, ये आएगा ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 0। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और सी, यहाँ पे आ जाइए, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और सी इसमें आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ लिखे 0 और यहाँ बाकी हर एक जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एक काम करो भाई, यहाँ बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 एंड 1 एंड 1। अब बात आती है किस चीज का, तो पेयरिंग करना है, तो भैया पेयरिंग कैसे करेंगे, पेयरिंग किसको करना है, तो 0 वाले को पेयर करना है सिर्फ, और बाकी को छोड़ देना, ठीक ना, 0 वाले को आपको पेयर करना है और बाकी को स्किप कर देना, क्लियर। अब देखिए इसमें आपका कॉमन क्या है, यहाँ पे अगर कॉमन लिखना हो तो आराम से आप ऐसे भी, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, निकालिए खुद से, ये हमारा है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और इसमें भी हमारा क्या है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, सो ये हमारा दो गो टर्म क्या है, कॉमन है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसकी बात कीजिए, इसमें तो सीधा सीधा यही दिख रहा है आपका, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, तो फाइनली आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ पाए इसको।
कोई दिक्कत, या फिर इसको आप में एक्स्ट्रा में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलिएगा, आपको मालूम है स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड ही है आपका कैनोनिकल एक्सप्रेशन में है, तो ये भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके आप इसको भी बदल लीजिएगा और बदल कर आंसर कर सकते हैं। आ जाइए आप आगे, चलिए ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन करके देखिए। वाई इक्वल टू पाई एम 2357, 7 है मतलब कि वेरिएबल का संख्या कितना होगा, 3, ठीक है ना, वेरिएबल का संख्या कितना होगा, 3, लिख दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले तो आप टोटल सेल का संख्या कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 माने कि 8, यहाँ पे आप बना दीजिए, ठीक है, 8 बना दीजिए, ये एक, ये एक और ये एक हो गया, ज्यादा नहीं बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कंसीडर कीजिएगा, ये ए, ये बी और सी। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा 0 0 0 1 1 1 1 0। सो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस, बी प्लस सी, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, ए हमारा होगा 0 है, यहाँ पे 1 है, सो ये होगा ए, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, नेमिंग कर दूँ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर वैल्यू की बात किया जाए तो वैल्यू आपका क्या क्या दिया हुआ है, आप उस चीज़ को पहले देखिए, 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 की जगह पे हम 0 लिखेंगे, 2 दिया हुआ है, 2 की जगह पे 0, 3 दिया हुआ है, 0, 5 दिया हुआ है, 0 एंड देन 7 दिया हुआ है, 0, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे पेयरिंग करना है, बाकी हमारा हर जगह क्या बच जाएगा, 1 1 रह जाएगा, बाकी हर एक जगह ये 1 एंड ये 1, पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग किसका किसका करेंगे, तो 0 का करेंगे, तो ये आपका एक पहला पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर आप कॉमन ढूंढिएगा तो क्या मिलेगा, ए और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो दिक्कत। अब इसमें आ जाइए, ये आपका हो गया आपका एक दूसरा पेयर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, पेयर जो है ना कुछ इस प्रकार, देखिए इसको ये 0 था, ये 0 था, ठीक है। अगर हम पेयर जो कर रहे हैं ना, पेयर में जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो आप पहले इसको ये पेयर बनाए, देखिए ये पेयर एक इधर बनेगा और ये एक इधर बनेगा, इसको बना दीजिए, बन गया। एक पेयर ये दोनों मिलकर बना देगा। अब इसमें हमारा अगर कॉमन टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले तो आप इसको लिखिए, इसमें अगर ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ऐसा पेयर मैंने बताया है कैसे पेयरिंग संभव है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए और प्लस इसमें और इसमें बी और सी है, बी और सी है माइनस सी, ठीक है। अब हमारा ये दूसरा हो गया, इसकी बात जब करेंगे तो यहाँ पे पेयर क्या बनेगा हमारा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमारा कुछ और बच रहा है क्या, एक ये बच रहा है, तो इसको आप पेयर कीजिए। जब इसकी बात कीजिएगा तो इसमें हमारा क्या पेयर निकल के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस इस दोनों में कॉमन हमारा क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और लास्ट बट नॉट लीस्ट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, हो गया। सो आंसर हमारा क्या निकल के आया, कुछ इस प्रकार से निकल के आया, ए प्लस सी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको करना चाहेंगे कर लीजिए, इसको भी 2 3 2 3 7 है। देखिए y इक्वल टू था आपका पाई m 0 2 3 एंड 7, राइट, या आइए, तो ये 7 तक है, इसमें भी वेरिएबल का संख्या कितना होगा आपके पास, डेफिनेटली यहाँ पे भी 3 है आपका, है वेरिएबल हमारा 3, तो आप आगे इसको लिख सकते हैं, टोटल हमारा कितना हो जाएगा सेल,
आठ हो गया ना। ये कुछ इस प्रकार से नेमिंग कर दीजिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी और सी है। 0 0 0 1 1 1 एंड 1 एंड 0, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1। यहाँ पे नेमिंग कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 0 2 3 7 है यहाँ पे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, 0 2 3 एंड देन 7, ठीक है ना, ये ना 0 2 3 और 7। अब इसको आप क्या करिए, पेयर बना दीजिए। पेयर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए एक ऐसा और एक ऐसा। अब इसमें हमारा क्या निकल के आएगा, कॉमन पेयर हमारा जो बनेगा, तो यहाँ देखिए ए है, डेफिनेटली वी कैन राइट ए प्लस। इसमें आप देखिए दोनों में क्या फिर से 0 है, मतलब बी और सी, सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सी। एक ला ये पेयर हमारा ये बना देगा, एंड इसका क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 है, मैने बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर, समझ गए। इसी में आपको डोंट केयर भी दे देगा, तो डोंट केयर की जगह पे आपको फिर से आपको क्रॉस मार्क लिखना, ठीक ना, और फिर पेयर बनाने का पॉसिबिलिटी ढूंढना। आइए कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको दे देता हूँ ना, आप इसको बनाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे बोल दिया है राइट द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट इन POS फॉर्म, POS फॉर्म फॉर द के मैप टेक्निक। क्लियर, देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा ही दिया हुआ, ठीक ना, ऐसा आपका है टोटल। और कह रहा है यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बना हुआ है आपके पास, क्वेश्चन के क्वेश्चन में ही ऑलरेडी बना हुआ है, सो ये आपके लिए और आसान है। ये क्या है आपके लिए और आसान है बिल्कुल, और इजी में एक बार में आप कर सकते हो। देखो ये हमारा ए बी और ये हमारा सी डी, कुछ ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, राइट। एंड देन दे हैव रिटन एज, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1, लाइक दैट दे हैव रिटन, दे हैव मेंशन, राइट राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिखना है इसका एक्सप्रेशन, लिखना है कैसे लिखेगा, POS में कह रहा है, तो हमारा एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा और एक ऐसा, ये एक हमारा क्वाड बन गया, ठीक। अब इस चारों में आप अगर कॉमन ढूंढिएगा तो क्या निकल के आएगा, बी प्लस डी। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस डी, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात, अब बोलिएगा कैसे, तो आप देखिएगा इसमें कॉमन क्या क्या होगा, आप करिए देखिए। इसमें आप अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0, राइट, 0 0 0 1 1 1 1 एंड 0। इसमें आप लिखेगा तो क्या लिखेगा, 0 0 मतलब ए प्लस बी, ठीक है ना, और प्लस इसमें आप क्या लिखेगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। इसमें अगर लिखना हो तो क्या लिखेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी एंड देन हियर प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। एंड इसके लिए अगर बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस इसकी बात करा जाए तो आप इसमें लिख सकते हो सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस डी। सो कॉमन आप देखो, ये बी हमारा कॉमन है और ये डी कॉमन है, आंसर हमारा क्या निकल गया, बी प्लस डी, समझे। इस प्रकार से भी एक बनाया जा सकता है। आगे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, आप खुद से करके लाइएगा होमवर्क में कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए दे रहा हूँ कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर पाइए, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा एग्जाम के लिए उतना ही आपका आसान होता जाएगा, ठीक है। नहीं कीजिएगा तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, फिर ऐसा समय आएगा कि ओह सर समझ में ही नहीं आ रहा है,
कि हम कैसे करें सर, कैसे सॉल्व करें इसको। कुछ इस प्रकार से है दिया हुआ एक्सप्रेशन, ए है, ये बी है, सी है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 0 0 0 एंड 0 0 एंड 0, इसका आपको लिखना है आउटपुट एक्सप्रेशन, आउटपुट एक्सप्रेशन ये 1 1 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इन POS फॉर्म। हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप एक और लिख लीजिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, एक है आपका ये क्वेश्चन है, ये है आपका 16 सेल का, मतलब इसका क्या हो गया, आपके पास वेरिएबल कितना है, ए बी सी एंड डी, एंड यहाँ पे आपका है 0 0 0 0 0 एंड देन 0 एंड देन 0 एंड देन 0, 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप इसको लिखिएगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप लोग से कि आप बना पाइएगा इसको। है ना, इस दोनों को आपको लिखना है आउटपुट एक्सप्रेशन, दोनों का आपको क्या करना है, आउटपुट एक्सप्रेशन लिखना है, राइट दे आउटपुट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप टेक्निक, के मैप टेक्निक इन POS फॉर, ठीक है। तो कर लीजिएगा आप, यहाँ पे करके आप टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो था, यहीं पर आपका समाप्त होता है, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट समाप्त होता है। आप सिलेबस उठाइएगा, सिलेबस से देख लीजिएगा कि फर्स्ट यूनिट में कोई ऐसा टॉपिक है जो कि छूटा हुआ है, तो एक बार आप मैसेज करके बता दीजिएगा, मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, जो कि भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है वो भी, जिसमें कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जोड़ घटाओ गुना भाग आपको सीखना है, जो कि ऑलरेडी आपको आता है। गुना तो आता ही होगा, जोड़ आता है, भाग आता है, घटाव आता है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम बाइनरी टर्म्स की बात करेंगे, मतलब डिजिटली सीखेंगे कि कैसे गुना संभव है, या कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, या कैसे डिवीजन किया जाता है, कैसे समेश एडिशन किया जाता है, इन सब के बारे में सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एडर, फिर सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, फिर इनकोडर पढ़ेंगे, फिर डिकोडर पढ़ेंगे, है ना, सबके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।